मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ घंटों के लिए तात्कालिक पूर्वानुमान जारी हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान यानी कि 14 जून की शाम को अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, बूंदी, कोटा, बारन, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यह मौसम विभाग ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी किया है, यानी कि अगले कुछ घंटों के दौरान यहां पर मौसम पलटा खा सकता है। और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, राजस्थान में प्री मानसून से ही कई जिलों में नदियां बहने लग गई है। पाली, सिरोही, उदयपुर, जालौर के कई इलाकों में सोमवार को हुई बारिश के बाद यहां पर नदियों में फिर से पानी बहने लगा है। यहां तक कि रेगिस्तानी जिले जैसलमेर और बाड़मेर में भी तेज बारिश हुई है। जोधपुर में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखी गई है। वहीं अजमेर की बात करूं तो अजमेर और जयपुर संभाग में आज भी शाम को मध्यम से लेकर हल्की बारिश की संभावना है। और नागौर, चूरू, सीकर, अजमेर तथा आसपास के क्षेत्रों में भी आज शाम तक कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी। हालांकि छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 दिनों तक जारी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों जैसे बीकानेर संभाग के जिलों की बात करूं तो यहां पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17, 18 और 19 जून को मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। हालांकि मैंने आपको जैसे पहले कई बार बताया है, ये प्री मानसून की बारिश ज्यादातर एरिया को कवर नहीं कर पाती, इसी वजह से कई स्थानों पर तो अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर बीते 2 दिनों से लगातार बादल जरूर छा रखे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से लोग उमस से परेशान है। देखिए, पूरे राजस्थान की बात करूं तो यहां पर अच्छी खबर यह है कि 19-20 तारीख तक प्री मानसून की गतिविधियां होती रहेगी और फिर मानसून भी धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा। तो यह राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है कि मानसून के आने से पहले राजस्थान के अलग अलग जिलों को प्री मानसून भिगोता रहेगा। देश के मौसम को लेकर आगे जो भी कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।